इटली के सीजनल और नॉन सीजनल पेपर के ऊपर निकले हुए नौलौस्ता पे नाम चेंज करवा के किसी और एप्लीकेंट का वीजा ग्रांट करवाया जा सकता है या नहीं करवाया जा सकता, डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, वेलकम है आप सभी का आपके अपने चैनल हिम्मत LLB। कई व्यूज के मैसेजेस आते हैं, उनको कई एजेंट्स बोलते हैं कि नौलौस्ता निकला हुआ है उसमें करेक्शन करवा के जो है आपका केस सबमिट करवा देते हैं, आपका वीजा करवा देते हैं। इसकी सच्चाई क्या है, इसकी रियलिटी क्या है? तो देर अगर सीधे शब्दों में बात की जाए ना तो ये प्रैक्टिकल नहीं है। हाँ, करेक्शन की ऑप्शन जरूर होती है जब पेपर फिल करते टाइम कोई माइनर, कोई छोटी मोटी कमी पेशी रह गई है, कोई माइनर मिस्टेक हो गई है, तो उसमें जो है वो करेक्शन हो सकती है। बट ऐसा नहीं है कि पेपर जो है वो किसी और के फिल हुए हैं और फाइल किसी और एप्लीकेंट की सबमिट हो जाएगी। जिसकी एक सबसे सीधी बात आप समझ सकते हो कि पेपर फिल करते टाइम जो है आपके पासपोर्ट की कॉपी लगती है, मींस के आपका जो है पासपोर्ट नंबर भी फिल हो जाता है। तो नाम की बात करें, नाम तो चलो मैच हो सकता है, किसी का नाम मैच हो सकता है, बट जो ट्रेवलिंग डॉक्यूमेंट नंबर है, मींस के जो पासपोर्ट नंबर है, वो कभी भी मैच नहीं हो सकता, वो कभी भी सेम नहीं हो सकता। तो एजेंट की ऐसी बातों से टिकना आप बच के रहिए। इसके लिए आपका जो है इन बातों में आके आप अपना पैसा और टाइम दोनों वेस्ट करने वाले हैं। तो प्रैक्टिकल वे यही है कि आप किसी ऑथेंटिक, आपका कोई नॉन है उसके थ्रू कोई किसी ऑथेंटिक एम्प्लॉयर से आपके पेपर फिल करवाइए। आफ्टर दैट उसके क्लियर होने के चांसेस भी अच्छे हैं और आपको फालतू के झंझट में कोई पढ़ने की जरूरत भी नहीं रहेगी। सो डियर, आपको क्लियर हो गया होगा कि नौलौस्ता पे, ठीक है ना, किसी और का नौलौस्ता निकला हुआ है उसके ऊपर दूसरा बंदा जो है वो वीजा ग्रांट नहीं करवा सकता। सुबह जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।